दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं अमन अनबॉक्सिंग यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक पोल्ट्रॉनिक्स का ईयरफोन। यह मुझे लगभग 229 रुपए के आसपास में अमेजोन से मिला था। यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का देखने में यह ईयरफोन लगेगा। अगर हम इसके बॉक्स पे देखें तो इसका जो नाम पूरा है वो है पोल्ट्रॉनिक्स कॉन्च बीटा इन ईयर ईयरफोन, और बॉक्स के पीछे इसके सारे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। तो चलिए हम बॉक्स को ओपन करते हैं, फिर सारे स्पेसिफिकेशन आपको इसके बारे में बताते हैं। तो यह है हमारा पोल्ट्रॉनिक्स का ईयरफोन। तो चलिए जल्दी से इसको हम अनबॉक्स कर देते हैं। कोई भी सेल वेल इसमें नहीं लगी, क्योंकि सस्ते वाले में थोड़ा सा टेप भी ये लोग बचा ही लेते हैं। ये एकदम छोटा सा क्या है, QR कोड है इनका। वारंटी रजिस्टर करने के लिए करना हो तो आप कर सकते हैं, मैं तो पता नहीं बाद में टाइम मिलेगा तो करेंगे। ये है हमारा एकदम सस्ता सा ईयरफोन, सस्ता जैसा वही से एकदम पैक करके दिए, वही क्वालिटी का। ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का हमारा यह ईयरफोन है। जैसा ये देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, कुछ इस तरीके का आपको ये ईयरफोन देखने को मिल जाएगा। प्लास्टिक वाला ईयरफोन है जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पर आप इसका सबसे पहले देखिए, इसका जो ईयरबड या ईयर टिप कह लीजिए कुछ इस तरीके की है, जैसा रियलमी बड्स क्लासिक आता है, मतलब उसी टाइप का इसकी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे देसी वाला पहले सैमसंग वाला आता था, ख़तरनाक वाला, मतलब जो बहुत ही चलता था पहले, अभी भी चलता होगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके वायर की क्वालिटी की बात करें तो वायर की क्वालिटी ठीक ठाक है, सिलिकॉन वायर आपको देखने को मिल जाएगा। और बीच यहाँ पर देखिए, बीच में आपको यहाँ पर पोल्ट्रॉनिक्स का नाम, मतलब इसका लोगो, और यहाँ पर बटन और ऊपर इसकी माइक। इस बटन से आप जो कर सकते हैं, जैसे फ़ोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं, गूगल असिस्टेंट चला सकते हैं। नीचे वाले वायर की क्वालिटी इसकी प्राइस को देखते हुए मैं कहूँगा कि वायर की क्वालिटी भी इसके सही है। और यहाँ पर देखिए, आपको इसमें 3.5 mm का कनेक्टर मिल जाएगा, जो कि सिल्वर है, गोल्डन नहीं, क्योंकि पैसा कम दिए हैं तो उसी हिसाब से हम लोग को मिलने वाला है। तो चलिए इसको हम कुछ दिन यूज़ करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसके साउंड की क्वालिटी कैसी है। हाँ तो दोस्तों, इसको मैंने लगभग 2 दिन से ज़्यादा यूज़ कर लिया है। अब हम आपको इसके साउंड की क्वालिटी बताते हैं। इस ईयरफोन में आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर मिल जाएंगे। और अगर हम इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको बेस अच्छा मिल जाएगा, बहुत ही हाई बेस आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस आपको इसमें मिलेगा वो भी अच्छा, गाना सुनने में आपको बहुत ही सही लगेगा। और ट्रेबल की बात करते हैं तो ट्रेबल इसमें आपको एवरेज मिलेगा, जैसा 250 रुपये के हिसाब से मैं ट्रेबल कहूँगा कि एकदम ठीक ठाक है, कोई भी शिकायत की बात नहीं है। और वोकल की बात करते हैं तो इसमें आपको वोकल बहुत ही क्लियर सुनाई देगा, गाना सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। ओवरऑल मैं कहूँगा कि साउंड क्वालिटी के मामले में इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया ईयरफोन है। दोस्तों अब हम आपको इसके माइक की क्वालिटी सुना देते हैं कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। अभी जो आप ये आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये हमारे है माइक बोया के माइक की आवाज़। अब हम इसको स्विच कर रहे हैं इसमें पोल्ट्रॉनिक्स में, तब आप बताइएगा कि आपको इसकी माइक की क्वालिटी कैसी लगी। और दोस्तों अभी जो आप ये आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये है पोल्ट्रॉनिक्स कॉन्च बीटा के माइक की आवाज़। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसकी माइक की क्वालिटी कैसी लगी है। और दोस्तों आप लोगों का एक सवाल यह होगा कि आपको यह ईयरफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप इस ईयरफोन को ले सकते हैं, 229 रुपए के हिसाब से यह बहुत ही बढ़िया ईयरफोन है। चाहे इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के मामले में अच्छा है ही, साथ ही अगर हम इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही सही है। 229 रुपए के हिसाब से मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है। और माइक की क्वालिटी आपने सुनी ही, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसके माइक की क्वालिटी कैसी लगी। मुझे तो इसके माइक की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी है। और साथ ही साथ अगर हम गेमिंग का एक्सपीरियंस की अगर बात करें, मैंने इसमें पबजी खेला हुआ है BGMI, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेफ्ट राइट का साउंड एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा था। गेमिंग के मामले में भी कोई भी मुझे दिक्कत नहीं आई है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि 229 रुपये के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा ईयरफोन है, आप इसको ले सकते हैं। बस दोस्तों आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।